नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूं। साथियों, मैं आज एक ऐसे एचआईवी पर, एक ऐसे हेपेटाइटिस पर, समझिए एक ऐसी बीमारी पर केस स्टडी लेकर आया हूं जो आपके घर के लगभग हर सदस्य को है, जो मेरे घर के लगभग हर सदस्य को है और हिंदुस्तान की लगभग स्मार्टफोन वाली आधी से ज्यादा आबादी को है। तो इस बहुत बड़ी बीमारी का नाम, जो एचआईवी से ज्यादा खतरनाक है, उसका नाम है व्हाट्सएप। अब साथियों, आगे बढ़ूं उसके पहले व्हाट्सएप क्या है थोड़ा जान लें। व्हाट्सएप को बनाया था जैन कूम और ब्रायन एक्टन ने, ये दोनों याहू के एम्प्लॉयज थे, एक्स एम्प्लॉयज ऑफ याहू। मजे की बात यह थी, ये दोनों जब फेसबुक में नौकरी मांगने गए तो फेसबुक ने इनको अयोग्य घोषित करके नौकरी देने से इनकार कर दिया। 2014 में खुद फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा। कितने में? $19 बिलियन, जरा जीरो लगा के देख लेना कितना होता है। और इसी के साथ फेसबुक दुनिया के तीन सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स का ऑनर बन गया, जिसका नाम फेसबुक, जिसका नाम इंस्टाग्राम और जिसका नाम व्हाट्सएप है। साथियों, आज व्हाट्सएप के इस जनवरी के आंकड़ों के हिसाब से 1.5 बिलियन से ज्यादा यूजर हैं, 1.5 बिलियन, जिसमें से 1 बिलियन लोग लगभग हर दिन व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। और अचरज की बात है, 65 से ज्यादा भाषाओं में इस वक्त व्हाट्सएप चल रहा है। अब साथियों, क्या यही कहानी है? कहानी यह है कि व्हाट्सएप ने ऐसा बवाल मचाया है कि 12 देशों ने तो व्हाट्सएप को बैन कर दिया है। चाइना ने कई बार व्हाट्सएप को बैन किया, ब्राजील ने कई बार व्हाट्सएप को बैन किया। दुनिया में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप वीडियो कॉल करने वाला देश इंडिया है। लेकिन क्या मैं ये सुनाने के लिए यहां खड़ा हूं, व्हाट्सएप की सफलता की गाथा सुनाने आपके लिए खड़ा हूं? नहीं, मैं व्हाट्सएप की सफलता की गाथा नहीं सुनाने खड़ा हूं, मैं ये बताने को खड़ा हूं कि व्हाट्सएप कैसे हमारा जीवन बर्बाद कर रहा है, व्हाट्सएप कैसे हमारी पर्सनल लाइफ खत्म कर रहा है, व्हाट्सएप कैसे हमारी फैमिली वैल्यूज और कल्चर को खत्म कर रहा है, व्हाट्सएप कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर रहा है, व्हाट्सएप कैसे हमारे सोशल थ्रेड को खत्म कर रहा है। साथियों, आज सुबह अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी, दिल्ली में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो रात दिन व्हाट्सएप पर बिताती थी और घर के काम में बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, अपने पति पर, बच्चों पर, परिवार पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। पति ने बहुत बार समझाया, नहीं समझ में आया, हत्या हो गई। सऊदी अरब में एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ को इसलिए डाइवोर्स दे दी क्योंकि वो बहुत ज्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस करती थी और अपना मोबाइल एक्सेस करने को नहीं देती थी। इटली में 40% डाइवोर्स के पीछे, 40% डाइवोर्स के पीछे किसी ना किसी तरीके से व्हाट्सएप की इमेजेस, व्हाट्सएप के वीडियोस या व्हाट्सएप की इन्फोस का हाथ है। दुनिया में अनेक जगह दंगे भड़कने के पीछे, जो पेरिस का हमला हुआ, जो स्टॉकहोम का हमला हुआ, अंत में यह पाया गया कि उनकी योजनाएं व्हाट्सएप पर बनी। लेकिन यह तो सब बहुत दूर दूर की बातें हैं। साथियों, आज हमारे देश में 2 रेप हुए हैं, कथुआ और उन्नाव, उन्होंने पूरे देश को हिला दिया, हमारी अंतर आत्मा को झंझोड़ दिया। कभी कभी अफसोस होता है हमें ऐसे देश के निवासी हैं। साथियों, क्या ऐसे अपराधों के पीछे भी व्हाट्सएप का हाथ है? यदि बहुत सारे ट्रिगर फैक्टर लिस्ट में लिए जाएं, टॉप 5 या 10 ट्रिगर फैक्टर लिस्ट में लिए जाएं, तो उसमें व्हाट्सएप एक ट्रिगर फैक्टर आएगा। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से घर घर में अडल्ट्री घुस गई है। इतने अडल्ट वीडियोस व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होते हैं। यूट्यूब पे तो वीडियोस के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है, 18 से ज्यादा उम्र के बताना पड़ता है, उसके बावजूद एक लिमिट तक के वीडियो मिलते हैं। उसके अलावा बाद में उसमें ट्रैक रिकॉर्ड भी पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन सी साइट आपने देखी। व्हाट्सएप में कोई आपके सामने बैठ के अपने मोबाइल पे क्या देख रहा है आप पता नहीं लगा सकते। आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, मुझसे एक स्कूल की टीचर कह रही थी कि 90% क्लास 5th के अंडर के बच्चे अडल्ट वीडियोस आज देख चुके होते हैं। एक 15 साल के बच्चे का कोई ना कोई दोस्त 12 साल का होता है, उसका कोई ना कोई दोस्त 10 साल का होता है, और धीरे धीरे करते करते
वो वीडियोस उन तक पहुंच जाते हैं। एक वीडियो, एक किसी ना किसी के हाथ में मोबाइल रहता है, मोहल्ले में, स्कूल में, कॉलोनी में, कोचिंग में, ट्यूशन में, वो अपने मोबाइल पे ऐसी चीजें लोड करके लाता है और बाकी सब देखते हैं। यदि इतनी कम उम्र में इतना एक्सपोजर दे दें लेकिन विजडम ना दें, इतनी चीजों को एक्सपोज कर दें लेकिन ये संयम ना दें क्या चीज कब उपयोग करना है और क्या चीज कब उपयोग नहीं करना है, तो गलत राह भटकेगी। आज एक क्लास फोर्थ फिफ्थ की लड़की, क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ का लड़का यदि 100% सेक्स के बारे में जानता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसने वो वीडियो अपने पापा के मोबाइल पे देखे हो, अपने चाचा के मोबाइल पे देखे हो। आज भी अधिकांश लोग मोबाइल में लॉक लगाना नहीं जानते और दिन में कई बार उनके बच्चे अपना मोबाइल लेते हैं। और अपने आप से पूछिए, कई बार आपको भय हुआ होगा कि अरे मेरा मोबाइल उसके हाथ में चला गया, उसने देख तो नहीं लिया। फिर बाद में आपने एक दो दिन हरकतें वॉच की, आपको लगा नहीं देखा, नहीं, पूरी संभावना है उसने देख लिया, उसने देख लिया। मैं कई बच्चों से बहुत फ्री हूं नियर एंड डियर, मैं उनसे अक्सर पूछता हूं, आप आश्चर्य करेंगे, उनमें से अधिकांश बच्चों को किसी ना किसी ने स्कूल या कोचिंग में ऐसे वीडियोस दिखा दिए हैं। घर घर में अडल्ट्री घुस गई है और जब ऐसे वीडियोस देखेंगे और बॉडी के अंदर जो इमोशंस आएंगे वो इमोशंस कहीं ना कहीं तो जाके रिफ्लेक्ट होंगे। तो पहली चीज, कल्चर का बेतहाशा नुकसान, सोसाइटी की वैल्यूज का खत्म हो जाना, सोशल ताना बाना ध्वस्त हो जाना। सेकंड, प्रोडक्टिविटी, दिन भर लोग मोबाइल पर रहते हैं। आप अधिकांश लोगों को जानते होंगे जो सुबह उठते साथ पहला हाथ मोबाइल पे लगाते हैं और रात को सोते वक्त उनका मोबाइल पे पोज यू रहता है। लोग कहते हैं सर बिजनेस में मोबाइल का यूज होता है, अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के पूछो कितनी देर बिजनेस के लिए मोबाइल चलाते हो और कितनी देर पर्सनल यूसेज के लिए। साथियों, वर्क प्लेस पे हर आदमी अपना अपना व्हाट्सएप चालू रखता है दिन भर। कई लोगों का तो सेकंडों में दो नीला डंडा कैसे हो जाता है मैं आज तक नहीं समझा, वो बाकी कोई काम करते हैं कि नहीं। अरे आप एक काम में यूं ध्यान लगा के रखें, अचानक आपका एक व्हाट्सएप आया, आपने देखने के लिए उस काम से ध्यान हटाया, आपका कंसंट्रेशन डिप कर गया, फिर बड़ी मुश्किल से आपने कंसंट्रेशन उठाया, फिर थोड़ी दूर चले, फिर अचानक एक व्हाट्सएप आया, फिर खोला, फिर डिप कर गया। एक काम करने में डबल टाइम, ट्रिपल टाइम, काम की क्वालिटी डाउन, प्रोडक्टिविटी डाउन मोबाइल की वजह से। एक रिसर्च आई है जिसमें कहा गया है कि 9 to 10 hours वर्क प्लेस पर बैठने वाला व्यक्ति मेरे दोस्त 3.5 घंटे की प्रोडक्टिविटी दे रहा है, सिर्फ 3.5 घंटे की, बोलने को कुर्सी में इतनी देर बैठा है। और इस लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी में सबसे बड़ा कारण मोबाइल है। और ये मोबाइल इतना अंदर घुस गया है कि बेंगलोर में निमहांस को इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर खोलना पड़ा, दिल्ली में उदया फाउंडेशन को इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर खोलना पड़ा, क्योंकि एकेडमिक्स नीचे चले गए, सोशल डिटैचमेंट हो गया। स्थिति यह कि रात को एक परिवार बैठा है तो पिता के हाथ में उसका मोबाइल है, माता के हाथ में उसका मोबाइल है, बच्चे के हाथ में उसका मोबाइल है, बिटिया के हाथ में उसका मोबाइल है, दादा के हाथ में उनका मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है। क्या संस्कार देंगे और क्या संस्कार से बचेंगे? तो साथियों, व्हाट्सएप आज की डेट में सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी किलर है। जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, जब हस्बैंड वर्क पे चले जाते हैं और बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, वो थोड़ा मोड़ा काम से फ्री हो जाती है, 99% आई एम रियली सॉरी, मेरी बात के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम हाउसवाइफ्स अपना समय आज या तो FB पे बिता रही है या व्हाट्सएप पे बिता रही है। इस वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स पैदा हो रही हैं, इस वजह से खुद से डिससेटिस्फेक्शन पैदा हो रहा है, इस वजह से परचेसिंग की प्रवृत्ति पैदा हो रही है, इस वजह से कंपैरिजन की प्रवृत्ति पैदा हो रही है, इस वजह से कंपटीशन की प्रवृत्ति पैदा हो रही है, इस वजह से अपने ही घर से, अपने पति से, अपनी सास से, अपने परिवार से असंतुष्ट होते चले जा रहे हैं। व्हाट्सएप वरदान है कि वायरस है? व्हाट्सएप वरदान है कि अभिशाप है? हम सबको सोचना पड़ेगा। इसलिए हमारे लोकप्रिय प्रोग्राम एक्सीलेंस गुरुकुल VIP जैसे प्रोग्रामों में सबसे पहले हम लोगों से एडिक्शंस डिलीट करवाते हैं। आपको पता है VIP की सबसे पहली हैबिट क्या है? फिक्स सोशल मीडिया टाइम। और हम लोगों से कहते हैं 30 मिनट इज द बेस्ट पर डे टाइम फॉर सोशल मीडिया।
बहुत अडिक्ट होना है तो 60 मिनट, लेकिन नॉर्मल आदमी 3 घंटे 4 घंटे बिताता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप 8-9 घंटे सोते हैं, 2 घंटे नहाने धोने अन्य इमरजेंसियों में जाते हैं, 11 घंटे, 1 घंटा तैयार वगैरह होने में, 12 घंटा, आधा 1 घंटा कुछ और चीजों में, मुश्किल से 9-10 घंटे का इफेक्टिव टाइम आपके पास बचता है। उस 10 घंटे में 9 घंटे में यदि 3 घंटे आपने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया को दे दिए, तो हर 10 साल में आपने 3 साल दे दिए, हर 30 साल में आपने 10 साल दे दिया, मोटा मोटा 1/3 जीवन आपने उसमें खत्म कर दिया जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं इस खतरे को भाप गया था। हम लोग सुबह सुबह 10 बजे सेशन लेने घुसते हैं, गुरुकुल वगैरह फुल डे के होते हैं, और रात को जब निकलते हैं तो क्या देखते हैं, कोई ना कोई हमको अपने ग्रुप में जोड़ लेता है और शाम तक 500-700 हजार में से जमा हो जाते हैं। आप मजाक समझ रहे हैं, आप मुझे आके अपने ग्रुप में जोड़ देंगे, पूरा कचरा मेरे मोबाइल में डाल देंगे, और शाम को आप बोलेंगे पसंद नहीं है तो क्विट कर जाइए, और मैं क्विट करूंगा उसके बाद मैं कचरा झाड़ते बैठूं, इसका मतलब आप मेरे घर में आके कचरा फेंक दीजिए और चले जाइए और मैं उस कचरे को झाड़ू लगाऊं। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस करने का निर्णय लिया। मैं दिल्ली में वकीलों से मिला, उन्होंने मुझे सलाह दी कि सर पूरे डिपार्टमेंट्स को पहले भेजिए, ये वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस निकालते हैं कि कौन से रूल के तहत ये वायलेशन हो रहा है। मैंने हिंदुस्तान के हर सरकारी विभाग को लिखा, आप अजरज कर जाएंगे, एक भी विभाग ने इसका जवाब नहीं दिया कि कौन से रूल का वायलेशन कर रहा है व्हाट्सएप। यदि वो मेरी निजता का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि मेरे बिना पूछे कोई भी मुझे अपना मेंबर बना लेता है, कैसे बना लेगा, मेरा कोई पर्सनल टाइम है कि नहीं है। यदि एक दिन में 10 ग्रुप मेरे को मेंबर बनाते हैं और 2000 मैसेज मेरे दिन में आ जाते हैं, तो यदि मेरे पर मिनट की कोई वैल्यू, तो आप भरेंगे वो वैल्यू। तो साथियों, पहली समस्या अडल्ट्री, दूसरी समस्या लो प्रोडक्टिविटी, तीसरी समस्या फैमिली वैल्यूज का खत्म होना, गलत एक्सपोजर की वजह से मिसगाइड होना लाइफ में, आप अंदाज नहीं लगा सकते दोस्त व्हाट्सएप क्या कर रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप स्वयं कितनी देर व्हाट्सएप यूज करते हैं? यदि एटॉमिक बम की रेस है, तो व्हाट्सएप भी एक तरीके का एटॉमिक बॉम्ब है। पूरी दुनिया एटॉमिक बॉम्ब पे बैठी है। व्हाट्सएप एक तरीके की सोशल ड्रिंकिंग है, सोशल स्मोकिंग है, जिसमें आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा है और आप एक एडिक्शन के ऐसे शिकार हो रखे हैं कि यदि थोड़ी देर आपको व्हाट्सएप नहीं आए, सच कहिए, थोड़ी देर यदि आपको व्हाट्सएप नहीं आया, तो आप डेटा को ऑन ऑफ करके देखते हैं कि नहीं देखते हैं। साथियों, पहले हम फोन आने पे फोन उठाते थे, अब नहीं आता तो फोन उठाते हैं, एक व्हाट्सएप देखने के लिए खोलते हैं और 50 ग्रुप देखते हैं, और यही हाल फेसबुक का भी है, लेकिन फिर भी फेसबुक अडल्ट्री कम फैला रहा है, व्हाट्सएप बहुत ज्यादा फैला रहा है। तो साथियों, सबसे पहले यदि संभव है तो अपने टोटल सोशल मीडिया टाइम को 30 मिनट पे रोक दें। अपने परिवार के यंगस्टर्स का, बच्चों का मोबाइल लगातार चेक करते रहें कि उनके व्हाट्सएप पे क्या आ जा रहा है और वो किस तरीके के ग्रुप का हिस्सा है। एक बार अपना डे ऑडिट करें और देखें आप खुद व्हाट्सएप पर कितनी देर बिता रहे हैं। आपको अंदाज भी नहीं है कि व्हाट्सएप धीरे 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 आपके अंदर समाता चला जा रहा है, और आप जो इसके मालिक थे, आपको अब इसके गुलाम बन गए, पता ही नहीं चला। तो यदि सोसाइटी की वैल्यूज को बचाना है, यदि कल्चर को बचाना है, यदि अपनी प्रोडक्टिविटी को बचाना है, यदि अपनी सफलता को बचाना है, तो सोशल मीडिया का रिस्ट्रिक्टेड यूसेज हमको सीखना पड़ेगा। साथियों, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो जरूर अपना कमेंट करें, और यह भी लिखें आप खुद कितनी देर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूज करते हैं, और आज इस वीडियो को सुनने के बाद आप कितनी देर यूज करने वाले हैं। साथ ही साथ उन सारे परिवार के सदस्यों को जिनको मोबाइल का कीड़ा लगा हुआ है, जो रात दिन ऐसे पड़े रहते हैं, उन सबको ये वीडियो जरूर भेजें, जिससे कि उनका मोबाइल का कीड़ा, मोबाइल का वायरस, मोबाइल का इंफेक्शन, सोशल मीडिया का जो उन पर प्रभाव है वो कम हो, और वो अपने व्यापार पे ध्यान दें, वो अपने व्यवसाय पे ध्यान दें, वो स्वयं पे ध्यान दें, वो अपने परिवार पे ध्यान दें, वो अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें, वो अपनी ड्रीम्स पे ध्यान दें। यदि देश को बचाना है तो इस व्हाट्सएप को घर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि आपको जानकर अचरज होगा, आयरलैंड का व्हाट्सएप यूसेज हमारे से कम है, यूके का व्हाट्सएप यूसेज हमारे से कम है, दुनिया में 70% देशों का व्हाट्सएप यूसेज इंडिया से कम है, और इतनी बड़ी आबादी वाला देश यदि इसमें बिता देगा आधा दिन, तो काम कब करेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस वीडियो को इतना वायरल करिए, यदि अब तक आपने उज्ज्वल पाटनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं लेकिन बेल बटन नहीं दबाया है तो बेल बटन को तुरंत दबाइए, ताकि ऐसे वीडियो से आप वंचित ना हो। खूब कमेंट करिए, और साथियों हम लोग बहुत दुर्भाग्यशाली हैं,
हम लोगों को क्या है, स्वतंत्रता संग्राम लड़ने का मौका नहीं मिला। तो आइए ये नया स्वतंत्रता संग्राम लड़ लें। कुछ दिन पहले मैंने शिक्षा पे एक वीडियो जारी किया था, तब मैंने आपसे अर्ज किया था देश के सड़े गले एजुकेशन सिस्टम को बदलना है। आज मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, हर घर के हर महिला, हर पुरुष, बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े, हर किसी को जो व्हाट्सएप की बीमारी लग गई है, उनको हिला हिला के, झंझोड़ झंझोड़ के सचेत करना है कि भाई इसके मालिक बने रहो, गुलाम नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।